और ये भी बोला गया था मतलब कि क्या चीन बर्बाद होने वाला है। तो इसमें हुआ क्या है, अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई है तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा तो जो चीन का रियल एस्टेट सेक्टर है तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि रैपिडली देखेंगे गिरते जा रहा है, बहुत तेज में गिर रहा है। तो इसको लेके आर्टिकल था, तो वहां पे जो है समझिए कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए घर, तो रियल एस्टेट में वही आता है प्रॉपर्टी डीलिंग की जो भी चीजें मतलब समझिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर वगैरह ये सब चीजें रियल एस्टेट में आती हैं। तो इनका मतलब ये जो सेक्टर है समझिए ये बहुत नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं मतलब वहां पे अब लोगों के पास पैसा नहीं है हाथ में। तो ये देखेंगे तो रियल एस्टेट कोविड से पहले ही गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद ऐसा सोच रहा था मतलब चीनी गवर्नमेंट की अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इसके वजह से अभी देखेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पे, और जो ग्रोथ रेट भी आपको देखने को मिलेगी तो ग्रोथ रेट भी इनका जो है ये जीडीपी का गिरते जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि 90 के दशक से ये 30 सालों तक देखेंगे 9% 10% के आसपास एवरेज ग्रोथ रहती है, ऑन एन एवरेज मान के चलिए 10% का ग्रोथ रहता है, जिसके वजह से देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है, मतलब पूरा तरह से बोला जाता है कि सुपर पावर बन जाता है। लेकिन अभी देखेंगे तो ग्रोथ रेट अभी तो कुछ दिन पहले 3.5% थी, और ये 2023 में बताया गया है कि 4.5% के मतलब ग्रोथ से ये ग्रो करेंगे। तो ये इसमें बताया गया, और इसमें ये बताया गया है कि ग्रोथ रेट गिरने का यहाँ पे सारा रीजन यहाँ पे बताया गया है। तो ग्रोथ रेट गिरने का सबसे बड़ा रीजन इसमें यही बताया गया है कि जो इनका पूरी तरह से देखेंगे चीन का इकोनॉमी था, तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी था, ये लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। तो देखेंगे वर्ल्ड मार्केट का पूरी तरह से 25% जो एक्सपोर्ट है तो वो चीन ही करता था। एक समझिए कि छोटी वस्तु से लेके जो छोटी ऑब्जेक्ट होती है उससे लेके एक बड़ा जो भी चीजें होती थी वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था, जिसके वजह से वहां पे बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट हुए तो बहुत सारा पैसा भी आया, और उसके बाद डिमांड भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा इसमें बताया गया। लेकिन अब जो हुआ तो ये बहुत सारे देशों से रिलेशन खराब हो गया, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है देखेंगे यूरोप से भी रिलेशन खराब हो गया, यूएस से भी खराब हो गया। तो इसके वजह से इन लोगों का टेरिफ वॉर और जो कस्टम मतलब ड्यूटी, टेरिफ वॉर जो ट्रेड वॉर होता है तो इसमें टेरिफ बढ़ाया जाता है। टेरिफ मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि टैक्स बढ़ाया जाता है, जो भी वस्तु आप बेचेंगे इस देश में, मान लीजिए कि बांग्लादेश हमारे देश में आके बेचे तो हम यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए तो उसकी वस्तु अब महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो कोई खरीद नहीं पाएगा। तो ये वेस्टर्न कंट्री और चीन में देखेंगे कि टेरिफ वॉर शुरू हो गया था, ट्रेड वॉर इसको बोलते हैं। तो इन्होंने फिर देखेंगे बहुत वेस्टर्न कंट्रीज ने टेरिफ वहां पे बढ़ा दिया इसके प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट इसका महंगा हो गया, महंगा हो गया तो वहां पे बिक नहीं रहा। अभी देखेंगे यूएस से रिपोर्ट आई है 25% देखेंगे चीनी जो गुड्स है उसका दाम मतलब कि अब एक्सपोर्ट वहां पे नहीं हो रहा है, तो पहले अगर 100 वस्तुएं होती होंगी तो अब 75 ही हो पा रही है। तो ये हुआ है टेरिफ के वजह से, जो वहां पे टेरिफ बढ़ रही है, यूरोपियन देश भी बहुत सारे टेरिफ लगा के रखे हैं चीनी वस्तुएं पे, फिर चीन भी देखेंगे उनके वस्तुएं पे टैरिफ लगा देता था। तो ये जो ट्रेड वॉर है टैरिफ वॉर हो गया था समझिए, पूरी तरह से लोग टैक्स बढ़ा रहे थे, तो इसके वजह से इसका एक्सपोर्ट जो है ये गिरा है पूरे वर्ल्ड में। अब एक्सपोर्ट गिरा है तो जो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी थी वहां पे जॉब भी देखेंगे उसी के वजह से आई थी, जॉब आई थी, तो अब समझिए इनका क्या हुआ है, जैसे एक्सपोर्ट गिरता है तो अब जॉब भी यहाँ पे कम हो गई है। अभी देखेंगे कि मतलब 16 से 25 वर्ष के जो भी युवा है, यूथ है वहां पे, तो अब बेरोजगारी दर इनका देखेंगे तो 22% तक चला गया है, बहुत बड़ा मतलब समझिए आ गया है 22%। तो अब मतलब जॉब ही नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर वो लोग रियल एस्टेट गिरेगा ही, सभी चीज में फिर गिरावट आएगी। तो इनका जो मतलब इकोनॉमी मैंने बताया तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, हमारा जो इकोनॉमी है तो ये कंजम्पशन बेस है, मतलब कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है तो हम अपने देश में ही समझिए बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को, तो कंजम्पशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे कंजम्पशन नहीं है। और फिर देखेंगे जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है तो ये सब लोगों को बोलते हैं कि हम बराबर कर देंगे, बराबर करने से फिर एक लेवल में जब लोग आ जाते हैं तो वहां पे एक तो मतलब समझिए कि डिमांड नहीं क्रिएट हो पाती है, ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है। तो जो मतलब थोड़ा सा देखेंगे कि असमानताएं रहती हैं तो लोग अमीर गरीब रहते हैं, तो अमीर लोग ज्यादातर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजों का वहां पे डिमांड करते हैं, तो वहां पे सभी लोगों को बराबर का वहां पे बोलेंगे कि मतलब कम्युनिस्ट जो कंट्री होती है वो करती है, तो ये सब अलग चीज है। तो ये आप देखेंगे इसके वजह से मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी की वजह से मतलब समझिए कि पूरी तरह से रियल एस्टेट, अब पैसा होगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। अब जाके चाइना बोल रहा है कि हम भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे, मतलब हम अपने घर में ही डिमांड क्रिएट करेंगे ताकि जो बाहर पर हम निर्भर है वो ना हो सके। तो हमारा जो है ये कंजम्पशन बेस्ड है, हमारे यहाँ पर डिमांड ही बहुत हाई रहती है, और डिमांड आप कैसे पता कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन जब भी मतलब मुद्रास्फीति जो समझिए महंगाई बढ़ती है तो उससे डिमांड का पता चलता है कि डिमांड बहुत हाई है किसी देश में,
में, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये डिमांड ही वहाँ पे देखेंगे कम हो गई है, कम हुई है तो फिर जाके रियल एस्टेट नीचे आ रहा है, जीडीपी भी ग्रोथ देखेंगे नीचे गिर गया है, और बहुत सारे देशों से देखेंगे रिलेशन इसका सही नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए, तो इसके वजह से भी देखेंगे इसका जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है, एक्सपोर्ट गिरा है तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं। फिर इनका इसका जो देखेंगे, तो अब जो बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो जो लोग पैसा कमाते हैं समझिए बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कि मैं तो हर एक चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया हूँ, वही चीज़ें इसके साथ हुई। अब जब इकोनॉमिकली इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुई, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसने प्रोजेक्ट, हजारों प्रोजेक्ट देखेंगे बाहर कंट्रियों में शुरू की, वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखेंगे इसमें बहुत सारा पैसा, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा लगा के रखा है। और फिर देखेंगे अभी जो पाकिस्तान से हुआ था, तो पाकिस्तान को बोला अब हम पैसा इसमें नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे हर एक देश में चला रहा है और वहाँ पे प्रोजेक्ट अब फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं तो इसके पैसा डूब रहा है, वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे देश को कर्ज भी दे के रखा है, अब जो देश हैं समझिए बैंकक्रप्ट हो जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं पैसा दे ही नहीं पाएंगे, तो ये सब पैसा तो इसका लॉस ही है समझिए, लॉस है, तो इसके वजह से भी फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, तो इनका बहुत सारा देखेंगे जो पैसा डूबते जा रहा है। और अभी देखेंगे मतलब इसका जो सर्विस सेक्टर है, तो ये सर्विस सेक्टर उतना मजबूत नहीं है, तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होती है, एक होती है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्जरी, तो प्राइमरी में देखेंगे कृषि और इससे रिलेटेड वस्तुएं आती हैं, फिर सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब समझिए जितने भी इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन होते हैं, और तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है समझिए, जिसमें इंजीनियर ये सब डॉक्टर वगैरह काम करते हैं, तो सर्विस सेक्टर वहाँ पर बहुत वीक है ये बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पे ही समझिए इतना चाइना आगे गया है, और हमारे यहाँ पे समझिए कि सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है और यही बताया गया है। तो अब है तो ये सर्विस सेक्टर का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक एरा अब आने वाला है तो ये सर्विस सेक्टर का होगा, और चाइना का सर्विस सेक्टर इतना मजबूत नहीं है, तो इसके वजह से इंडिया अब ग्रोथ करेगा, और चाइना का सर्विस सेक्टर नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत था तो वो ग्रोथ कर चुका है, अब इंडिया का टाइम आ गया है, तो वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह का बहुत ज़्यादा बैरियर है, इंडिया में ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, मतलब इंग्लिश वगैरह लोग अच्छा खासा जानते हैं, तो आईटी हब देखेंगे बनते जाता है, और बहुत सारे मतलब कि बेंगलुरु और फिर दिल्ली जैसे नोएडा जो सिटी है, तो ये आईटी हब बनते गए, इसके वजह से देखेंगे कि सर्विस सेक्टर बहुत आगे गया है, तो ये बताया जा रहा है मतलब कि इंडिया का सर्विस सेक्टर है तो बहुत आगे जाएगा, तो ये भी इसमें कंपेयर किया गया है इंडिया से। और फिर अब ये देखेंगे तो अब जो समझिए ये चीन है, तो अपना जितनी भी पॉलिसी है इसको चेंज करेगा, अब ये क्या चाहेगा एक्सपोर्ट जो पहले हो रहा था वैसे ही हम मार्केट को फिर से कैप्चर करना, तो अब ये सभी देशों से ऐसा बोला जा रहा है कि रिलेशन अच्छा करना चाहेगा, तो ये अभी देखेंगे यूएस में बहुत सारे राजदूत इनके बात हुए हैं चाइना के, और फिर इनके जो यूएस के हैं तो ये राजदूत मिले हैं और बात हुआ है बहुत सारे टॉपिकों पे, इसमें एक बार भी देखेंगे जो एयर बैलून था, देखेंगे जो इसका सर्वेलांस बैलून था जो कि यूएस के ऊपर घूम रहा था, फिर देखेंगे हिंद महासागर में भी आया था, तो इन सब के लेके बात नहीं हुआ, बाइडेन का देखेंगे बहुत सारा वहाँ पे तीखी प्रतिक्रिया आई थी चीन को लेके, इस पर भी बात नहीं हुआ, तो अब ये लोग ऐसा माना जा रहा है कि रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं यूएस और चीन, तो यूएस अब की करना चाहेगा तो यूएस करना चाहेगा ताकि वहाँ पे देखेंगे कि उसकी भी इकोनॉमी स्लो डाउन है, अगर समझिए कि सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर चीन की स्लो डाउन में घुसती है तो ये पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा, तो यूएस पे भी पड़ेगा, वहाँ पे महंगाई वगैरह पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी यूएस चाहता है अच्छा रिलेशन हो। और दूसरा ये बात है कि अब वो नहीं चाहता कि पूरी तरह से चीन और मतलब जो रूस है उसका गठबंधन हो जाए, इसके लिए भी यूएस चाहेगा कि अच्छा रिलेशन हो, और चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसके लिए ये लोग पास आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये सही नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हम हिंद महासागर में पॉलिसी बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं मतलब चीन के अगेंस्ट में, तो यूएस अगर साथ आते हैं चीन के तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगा वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब डिस्कस की गई है कि चीन अब पूरी तरह से देखेंगे पॉलिसी चेंज करेगा, सभी जो देश हैं उससे रिलेशन अच्छा करना चाहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहेगा, अब देखिए ये हो पाता है कि नहीं, क्योंकि ये समझिए जब एक बार इकोनॉमी जाने लगती है नीचे तो वो आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चीन जैसा देश कर भी सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने बहुत पहले करके दिखाया भी है, आपको देखने को मिलेगा कभी भी मतलब वहाँ पे जो लोग नहीं सोचते हैं जो काम वो करके वो दिखाता है, तो फिर आ सकता है वो समझिए इकोनॉमी को अच्छा करके। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया। ओके गाइस थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।